सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के 6, 7, 8 नवंबर महीने के ये 3 दिन कैसे रहेंगे। इन 3 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों भाई बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया पे मित्रों पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ धनु राशि वाले जातकों के लिए ही वीडियो मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आने वाले ये 3 दिन धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे आपकी आजीविका की। दोस्तों, जातकों को इन 3 दिनों में व्यापारिक प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि व्यापार में जो दुश्मन हैं आपका, उनका सामना करना पड़ सकता है। आपके व्यापारिक खर्चे बढ़ सकते हैं, वैसी संभावनाएं इन 3 दिनों में दिखाई दे रही है। चंद्र की ऐसी स्थिति है, ये पूरी वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, कुछ जातकों को विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित जो रखते हैं, जो जातक हैं उनसे जुड़े हुए हैं, सामाजिक अपयश अथवा असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, आसपास जो भी गतिविधियां हो रही हैं आपके, उस पे ध्यान लगाए रखिए, नज़र अपना गड़ाए रखिए, नहीं तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा आपका। करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है आपकी इन 3 दिनों में। कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी, जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, परिवार में किसी सदस्य से संबंधित शुभ समाचार मित्रों आप लोगों को सुनने को मिल सकता है। कोई खुशहाली घर में आ सकती है। ननिहाल पक्ष से प्राप्त आपको सहयोग मार्गदर्शन आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। जो मार्गदर्शन, जो सपोर्ट आपको अपने ननिहाल से या नाना के घर से जो मिलने वाला है, उसमें कार्य क्षेत्र में आप जो काम करते हैं उसमें आपको अच्छा खासा सफलता इन 3 दिनों में देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। परिवार में तनाव से बचें तथा सदस्यों के साथ अच्छे से पेश आएँ। किसी के साथ बदतमीजी बदसलूकी मत करिए। परिवार का चाहे वो छोटा सदस्य हो चाहे वो बड़ा सदस्य हो, और साथ ही साथ परिवार में सबके स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखिए। प्रेम जीवन में वाणी की कठोरता से संबंधों में दरार आ सकता है, वाणी पे अपने लगाम रखिए। कुछ कटु शब्द बोलने से आपको प्रेम जीवन में बचना चाहिए, अन्यथा इन 3 दिनों में विवादों में घिर सकते हैं आप। आपका प्रेम जीवन विवादित स्थिति में आके खड़ा हो जाएगा। विवादों से आप दूर रहिए, यही सलाह रहेगी हमारी। बात आर्थिक जीवन की करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया तथा तकनीशियन से क्षेत्र से जुड़े जातक जो हैं उनको लाभ या अवसर दिख रहे हैं। लाभ मिलेगा या लाभ के अवसर दिखाई देंगे जिस पे आप काम करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारिक कर्ज निवेश के लिए यदि प्रयासरत हैं, कोई जातक परेशान है, तो किसी परिचित की मदद से सफलता की अधिक संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। कार्यस्थल पर हालात में सुधार होना बिल्कुल तय है। सहयोगियों की सलाह से आप अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पैसे लगाते हैं, तो आपको अच्छा खासा लाभ देखने को इन 3 दिनों में मिल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य जो इन 3 दिनों में है उत्तम रहेगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान बनाए रखें, उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, यही सलाह रहेगी। दोस्तों, सुझाव है कुछ समृद्धि में वृद्धि हेतु ओम शुं शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें तथा किसी अनाथालय में कन्या के शिक्षा में सहायता प्रदान करें। उनको ऐसा आप करेंगे अवश्य आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये था आपके 3 दिनों का दैनिक राशिफल। उम्मीद करता हूँ मित्रों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए वीडियो मिलती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे। आपका ये 3 दिन मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छा बीते, यही कामना करते हैं।
जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।